लालचंद ज्वेलर प्रेजेंट्स रेड एफएम पर द पूरी ट्रैवलर सीजन 5 स्मार्टफोन पार्टनर टेक्नो ड्रिवन बाय मारुति सुजुकी को पावर्ड बाय ओएसडीएमए बेकरी पार्टनर हनी ब्लिस। Super hello to all of you from my side, RJ Smita, your puri traveler for this season. Jahan par kison ka safar hoga once more. Barish ke season mein travel karne ka maza hi kuch aur hai, isn't it? By the way, thank you so very much for all your likes and comments for our first story, Ek Rai Saath Aisi Bhi. इस सीजन के नेक्स्ट स्टोरी के लिए मैं आकर पहुंच गई हूं 150 किलोमीटर फ्रॉम पुरी इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ ढेंकनाल। यस, द जतन नगर पैलेस, जिसके बारे में आप लोगों ने कई सारे किस्से सुने हैं। आज की हमारी कहानी है एक कहानी जतन नगर की। जतन नगर एक ऐसा पैलेस जो mid-1900 में बड़े ही जतन के साथ बनाया गया था, लेकिन आज वो सिर्फ एक खंडर के रूप में ही जीवित है। I'm sure, एक टाइम पर महल में जाने के लिए रास्ते क्लियर होंगे, लेकिन अब इस महल के अंदर जाने के लिए आपको खुद के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस पैलेस का आर्किटेक्चर काफी यूनिक है और हजारों लोगों के दिन रात की मेहनत की वजह से ही ये पैलेस बना था। बड़े बड़े डोर्स और विंडोज इस पैलेस की खासियत है, ताकि नेचुरल लाइट यानी सूरज की किरणों से ये पैलेस सुबह के वक्त अपने आप ही चकाचौंध हो सके। अगर इस जतन नगर पैलेस की हिस्ट्री के बारे में बात करें, मैं आपको बता दूं कि ये जो पैलेस है, इसका निर्माण उस टाइम के राजा श्री शंकर प्रताप सिंह देव के छोटे भाई नृसिंह प्रताप सिंह देव ने किया था। एक समय ऐसा भी होगा जब इस पैलेस में खूब सारी रौनक और हलचल रही होगी, लेकिन आज यहाँ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही है। और दीवारों पर जिस तरह से लोगों ने एक दूसरे के नाम लिख रखे हैं, उसे देखकर दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। क्या इन हिस्टोरिकल प्लेसेस के हिस्ट्री को बचाए रखने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। इस जतन नगर पैलेस के बारे में और भी जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे इस फैमिली के एक एग्जिस्टिंग मेंबर आरपी सिंह देव सर के घर पर। हेलो सर। हेलो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस टू योर प्लेस। नाइस टू हैव कम। आई हैव बीन हियरिंग एफएम एंड आई लाइक दिस प्रोग्राम्स। इट्स नाइस टू मीट यू। टुडे वी विजिटेड जतन नगर पैलेस एंड वी रियली लाइक्ड इट। सो सर, देयर आर मेनी रूमर्स अबाउट जतन नगर पैलेस, सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? Actually, my uncle built it because the old palace was 200 years old by then, and my great grandfather had built it. So he wanted to stay in his farmland, so he built it there, and he had completed it. But at that time, there was World War II, so there was agitation against the British officers. So he couldn't cope that being alone, so he shifted to Cuttack. And people talk a lot against it because of the political reasons. They say 99 rooms, which is actually is not a fact. Okay. There may be about 25-30 rooms there. I heard that somebody said that a family member was had gone to stay there for a night. Thereafter, he vanished. None of our family members have vanished. Okay. They have died their natural death in their houses. Thank you so very much for your time, sir. Thank you. जहाँ जतन नगर पैलेस के बारे में हमने इतना सब कुछ पढ़ रखा था कि एक हॉन्टेड जगह है वगैरह वगैरह, फाइनली यहाँ आने के बाद ही हमें इसकी सच्चाई के बारे में पता चला। पूरी ट्रैवलर सीजन 5 के इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग स्टोरीज देखने के लिए फॉलो मी ऑन स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। हर जगह मैं आपको मिलूंगी आरजे स्मिता रेड एफएम के नाम से। जाने से पहले जरूर कहना चाहूंगी, जॉब्स कैन फिल योर पॉकेट बट एडवेंचर्स विल फिल योर सोल। तो फिर आपसे मुलाकात होगी पूरी ट्रैवलर सीजन 5 के एक और नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन डू टेक केयर, टाटा बाय बाय। रेड एफएम पर जाते रहो और ट्रैवल करते रहो। रेड एफएम पे।
पूरी।